उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल भारत समाचार पर छापेमारी के विरोध में भारी संख्या में इकट्ठा होकर पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल भारत समाचार लगातार कोरोना की अव्यवस्थाओं की पोल खोल दी, जिसके चलते सरकार ने डर कर मीडिया संस्थान और घरों पर छापेमारी करवा दी, जिसको लेकर सैकड़ों पत्रकारों ने इकट्ठा होकर मोदी योगी होश में आओ, आईटी की छापेमारी पर रोक लगाओ जैसे तमाम नारों से कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। प्रदर्शन के बाद पत्रकारों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा, भाजपा सरकार ने पत्रकारों और मीडिया संस्थानों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया। वहीं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के मंडल अध्यक्ष निर्मल कांत शुक्ला और जिलाध्यक्ष सुधीर दीक्षित ने कहा, भारत समाचार निष्पक्ष और सच्ची खबरें चलाता है। कोरोना काल में भारत समाचार ने सरकार की अव्यवस्थाओं और फेल सिस्टम की पोल खोल दी, जिससे बौखलाई सरकार ने भारत समाचार ने दफ्तर और ब्रजेश मिश्रा के घर छापेमारी करवाई। भारत समाचार ने हमेशा सच दिखाया, गरीबों की आवाज बुलंद की और न्याय के साथ खड़ा रहा, और सरकार सच सुनना नहीं चाहती, इसलिए बौखलाकर छापेमारी करवा रही है। सरकार को इस नाकामी की सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। तो हमला हुआ आज, हम लोग पीलीभीत कलेक्ट्रेट में इसमें मौजूद हैं, क्या देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल भारत समाचार ने गरीबों की कोरोना में सरकार की अव्यवस्थाओं की पोल खोल दी। इससे सरकार भयभीत हो गई, डर गई, और इसी वजह से सरकार ने अपनी सरकारी जो एजेंसी उसका दुरुपयोग करके आईटी की छापेमारी करा दी। ये घोर निंदनीय है, इसकी पत्रकार सभी कड़ी निंदा करते हैं। हालांकि जिस तरह सरकार पत्रकारों की लगातार आवाज़ दबाना चाहती है, अगर कोई न्यूज चैनल कोई अखबार गरीब की लाचार की अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, अगर वो सरकार को लगता कि ये गलत है तो हम लोग उस आवाज़ को उठाते रहेंगे। हम लोग डरने वालों में से नहीं है, और भारत समाचार हमेशा गरीबों के साथ था, न्याय के साथ था, सच के साथ था, और आज भी सच के साथ। देश में जिस तरह से भारत समाचार जैसे प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश के चैनल और भारत भास्कर समूह के ठिकानों पर उनके घरों पर जिस तरह से आईडी और आईटी ने और प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मारे हैं, ये बड़ा दुखद स्थिति है। इस बात को संकेत करती है कि सरकार जो लोग सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं उनसे किस हद तक डरी हुई है, क्योंकि भारत समाचार कोविड-19 में जिस तरह से लोगों के दुख दर्द और तकलीफ़ों को उजागर कर रहा था, जिस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा था अपने करोड़ों दर्शकों के सामने, उससे सरकार भयभीत हो गई बुरी तरह से। ये इस बात का संकेत है कि भारत समाचार या भास्कर समूह जो कुछ भी लिख रहा था, जो कुछ दिखा रहा था, वही सच्चाई है। और इस भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस तरह की जो परंपरा सरकार डाल रही है, ये आगे आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। और हम तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये गुजारिश करेंगे इस बात की कि पद और अधिकारों के दुरुपयोग की ये जो परंपरा योगी मोदी की सरकार ने शुरू की है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। यही इस देश की लोकतांत्रिक स्वस्थ परंपरा को कायम रखने के लिए आवश्यक है, और इसका आज हम सब लोगों ने यहाँ पर विरोध भी किया है। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन इसकी कड़ी निंदा करती है और इसका कड़ा विरोध करती है।